हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी आनु स्वागत करुच्छे। आज आम एफ ए टू पोर्टफोलियो जोटा कि दशम श्रेणी संस्कृत विषय को लेकिन आम कह तो जो जहाँ भी आम कहूँ ये निश्चय परीक्षा आसो कारण आम यहाँ अनेक प्रकार कलेक्शन रू कौं अनेक छात्र छात्री सैंपल पेपर पाई न था तो आम सैंपल पेपर हो गाइड हो अन्न जहाँ शिक्षक मन भी आम कितना क्वेश्चन देखिए पोर्टफोलियो बनईसु तो तुम्हें निश्चय भिडियो को लाइक कमेंट कर देख प्रश्न गुड़िक मेट्रिक श्रेणी सिंह श्रृंखला शिशु कथार पोर्टफोलियो आम दे प्रश्न दूचु ता सहित आंसर भी दे दूचु तुम्हें देख तो पोर्टफोलियो प्रश्न रे जोटा कि सिंह श्रृंखला शिशु कथा आधारित कृत्य निज भाषाया पंचवाक्यानी रचयित कहि अर्थात सिंह श्रृंखला शिशु कथा को आधार करी निज भाषा अर्थात आम ओडिया भाषा पांचटी वाक्य रचना करने को हेब तो आंसर गुड़िक कौन कौन हेबा माने किपर पांचटी वाक्य लिखे माने क रही शिशु को जत्नर सह पालन करवा आवश्यक सद्य प्रसवा सिंघी मध्य शिशु हत्या महापाप बोली विचार कर निज पुत्र पर पालन करथिला बाल्यकाल रे केही कहार जातिभेद न जानी एक प्रकार व्यवहार करन व्यवहार करथांती सबल दुर्बल को देखी निराश सह पश्चात भंग करबा नीचर वंश स्वभाव निर्भीक पुत्र द्वयं को सुरक्षा देबा को जाई माता पालिता शिशु को तार परिचय दे निज जाति विशेष को पठाइबा ओ पालितर सुरक्षा एवं विषय विशेषत्व यहपर भाव में पांचटी वाक्य आम लिखीदे जोटा कि प्रश्न था आंसर देखा द्वितीय नंबर से पाठर आसपे कौन ना सिंह श्रृंखला शिशु कथा तह श्लोक द्वयम लिखत अर्थात सिंह श्रृंखला शिशु कथा ठारु दुईट श्लोक आमको लिखबार अच्छी तो गोटे श्लोक कौन हम ना अकृत्यम नैव कर्तव्यम प्राणत्यागोपि संस्थिति न च कृत्यम परित्यय एषः धर्मः सनातनः द्वितीय नंबर श्लोक कौन हो सुरेशी कृत विद्या असि दर्शनीयो असि पुत्रक जस्मिन कुली त्वम उत्पन्नो गयः तत्र नन्यते इस भाव दुईट श्लोक आम कहीदेलु नेक्स्ट तृतीय प्रश्न कौन हो श्रृगाल शिशु हो सिंह से दंत मध्यगत कृत्वा आनंद आनयनम सिंहे ही प्रदानम शिशुत्रयाण बाल्य चरित्र चित्रण कुरुद मान श्रृगाल शिशु सिंह से जो दंता मध्यगत जिन मान दातरे चबिकी जो आनी श्रृगाल शिशु को आनलापर सिंहर सिंह को देता शिशुत्रय जोटा कि श्रृगालर शिशु श्रृगाल शिशु गोटे और सिंहर दुईट शिशुर चरित्र चित्रण कर बोली कही नेक्स्ट आम पल आसवा जोटा कि यहाँ हूँ सीता यहाँ वनगमन पोर्टफोलियो तो ये प्रश्न कौन अच्छी ना सीता यहाँ वनगमनम आधारीकृत निज भाषाया पंचवाक्यानी रचयित अर्थात सीता यहाँ वनगमनम आधार करज भाषा पांचटी वाक्य आमको लिखबार अच्छी तो प्रथम वाक्य कौन रखा ना राज्याभिषेक प्रस्तुत होता बेले राम स्वेदयुक्त मुखमंडल क्या किसी नक निज प्रकोष्ठ को प्रवेश कले सीता यार कारण पचार पिता तथा दशरथ पूर्व प्रदत्त बरानुसार माता कैकेयी भरत को राज्याभिषेक ताकु वनगमन आदेश दि जा जन से वन को जीवा मात्रे भरतर राजत्व सीता अयोध्या रहा हेब स्वामी सुख दुख पत्नी ही भोग करे तेणु सीता घन अरण्य नाना बाधा विघ्न को स्वामी स्नेह को आगरे रखी सहन कर वन को जीवे बोली राम को जन पाँच नंबर वाक्य कौन अच्छी बहु बाद अनुवाद पर संज्ञाहीन हो जाता सीता सांत्वना दे राम बाहु जुगल आलिंगन पूर्वक वनवास समस्त व्यवस्था करने को आदेश देले एवं द्वितीय प्रश्न को चली आसवा एटा सीता वनगमन वन किपर दुखतर से ही विषय कहुसी जोटा कि तीनो श्लोक लिखबार अच्छे तो गोटे श्लोक कौन हो सुप्रते पन्नशज्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेसु तस्मा दुःख मतु वनम द्वितीय नंबर कौन कहे उपवास्य कर्तव्यो यथा प्राणीन मैथिली जटाभारस्य कर्तव्यो यथा जटाभारस्य कर्तव्य बलकलाम्बरम धारणम एवं तृतीय कहुसी अतीब बात तिमीरम भूष्य चापी नित्यसह भयानीच महान महानी यत्र ततु दुखतर वनम बोलिकी यहीटा तीनो श्लोक आम कर बैस तेईस चौबीस नंबर श्लोक से तुम्हें जदि बहर भी तुम लिखिदेव से पास हे नेक्स्ट कहुसी कौन ना तृतीय नंबर गोटे बनस्य चित्रम कुरुत अर्थात गोटे बणर चित्र अंकन कर जोटा कि तुम्हें बण निजे तुम्हें जहाँ जंगल फंगल काटिकी गचलता काटिकी तुम्हें से बणर गोटे चित्रटे कर मोर यहाँ सैंपल मध्यम दे तुम्हें निजे से काट
तो यह हूँ आम द्वितीय जोटा कि सिंह श्रवाड़ शिशु कथार सीता जहाँ वनगमन आम पोर्टफोलियो देदेलु हे तो 100 to 99% निश्चय आसो ये जो कही एटा प्रश्न सहित आंसर मध्य तो तुम्हारा भल हे तो तुम्हें आम भिड को कमी लगला निश्चय तुमको जब भल लगुच लाइक कर एवं कमेंट भी करिबो कहीं आम एत परिश्रम करी भी तुम्हें भिडियोटा देचु तुम्हें कमेंट करूना हो तो कमेंट निश्चय कर भल कमेंट हो खराब कमेंट कि निज जानवर किसी इच्छा थे कमेंट निश्चय जनइब अन्य विषय प्रति।